हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रौनक जहान व्लॉग्स में आप सबका वेलकम। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मटन सीख कबाब। मटन सीख कबाब जो मैं आपको बताऊँगी बहुत ही सिंपल और इजी वे में, ताकि आप सभी लोग आराम से घर में बना के खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मटन सीख कबाब बनाने की रेसिपी। ये मैंने ले ली हूँ, मटन ली हूँ मैंने हाफ किलो। इसको मैंने इसका बारीक कीमा करी हूँ, ठीक है, और इसको धो के सुखा के, ये गोश्त को मैंने धो के सुखा के इसका बारीक कीमा करी हूँ। इसमें ज़रा भी पानी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद में हम लोग ले लेंगे कोथमीर। कोथमीर को मैंने धो के बारीक चॉप कर ली हूँ। प्याज हम लोग लेंगे, प्याज को हम लोग ऐसे चॉप कर लेंगे। और दो हरी मिर्ची हम लोग को लगेगी, या आप लोग ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो और मिर्ची आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मटन कबाब बनाने के लिए हम लोग को लगेंगे ये सारे इंग्रीडियंट्स। अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग लेंगे 2 टेबल स्पून, और हल्दी हम लोग लेंगे 1 टीस्पून, और गरम मसाला 1 टीस्पून लेंगे हम लोग गरम मसाला पाउडर। सूखी लाल मिर्च, कूटी हुई लाल मिर्च हम लोग लेंगे ये ऐसी, इसको मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे सूखी लाल मिर्च को। अगर हमारा गोश्त ज़्यादा चिकना नहीं है, यानी ज़्यादा चर्बी वाला नहीं है, तो हम लोग 1 टेबल स्पून ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं इस पे मैरिनेशन के लिए। और ये हम लोग ले लेंगे ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर हम लोग लेंगे 1 टेबल स्पून, और ये है मीट मसाला पाउडर। मैंने मीट मसाला ली हूँ बादशाह कंपनी का। और इसके बाद हम लोग लेंगे धनिया पाउडर, धनिया पाउडर मैंने ले ली हूँ 2 टेबल स्पून, और 1 बड़े नींबू का रस ले लेंगे हम लोग। और ये सारे इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको बता रही हूँ 1/2 किलो मटन सीख कबाब बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक बड़ा बाउल। इसमें मैंने ये जो गोश्त इसका बारीक कीमा कर ली हूँ, हम लोग इसमें ये सारे मसाले ऐड करेंगे और इसको मैरिनेशन के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे। चने का आटा ले लेंगे हम लोग 2 टेबल स्पून भर के। इसकी बाइंडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी चने का आटा। इसको हम लोग हल्का सा तवे पर भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मटन सीख कबाब बनाने की रेसिपी। तो इस सबसे पहले इसकी बाइंडिंग के लिए हम लोग को लगेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स, प्याज, कोथमीर और हरी मिर्ची, ये सब जो मैंने बारीक चॉप कर ली हूँ, ये सारे हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में ये जो सारे मसाले जो मैंने आपको बताई हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हम लोग इसमें डाल देंगे। हल्दी और गरम मसाला ये भी हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से पोंछ के डालेंगे। सूखी लाल मिर्च ये भी हम लोग इसमें मिला लेंगे। ज़ीरा पाउडर, मीट मसाला पाउडर ये भी हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून ली हूँ मैंने, धनिया पाउडर भी हम लोग अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। 1 बड़े नींबू का रस, बीन्स निकाल ली हूँ मैंने, और इसके बाद में ये जो चने का आटा है, आप लोग इसको ग्राम फ्लोर भी बोलते हैं, ये भी हम लोग इसमें डाल लेंगे। और एट लास्ट में घी, घी की जगह आप लोग 1 टेबल स्पून ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून घी ऐड कर लेंगे हम लोग इसके अंदर। के बाद में ये सारे मसाले हम लोग मिक्स करेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़। अब ये जो सारा मसाला है इसको हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसालों को हम लोग ये अच्छी तरीके से हमारे कीमे में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह हम लोग ने पूरे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं और हमारा बैटर ऐसा बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको रेस्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। और ये बाइंडिंग करने में अगर आपको मटन आपका और थोड़ा रूखा लग रहा है तो आप और थोड़ा सा चने का आटा मिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग हमारे इस डो को रेस्ट लेने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे।
तो देखिए माशाल्लाह हमारा बैटर अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम लोग इसका एक डो लेंगे जितना हम लोग को हमारा सीख कबाब बनाने का है। इसको हम लोग ऐसे गोल गोल एक डो बना लेंगे छोटा। और अगर आपके पास स्टिक्स है कबाब बनाने के तो आप लोग ले सकते हैं, या फिर काम चलाने के लिए मैंने एक पेंसिल ली हूँ। ठीक है, पेंसिल को इस तरह से हम लोग देखिए ये पेंसिल की मदद से हम लोग ऐसा हमारा सीख रेडी करेंगे। ये काम चलाऊ पेंसिल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो। ये देखिए इस तरह से हम लोग इसको ऐसे सेट कर लेंगे और हल्के से हमारी पेंसिल निकालेंगे। माशाल्लाह हमारा सीख रेडी हो चुका है। ये देखिए हम लोग इसको एक प्लेट में रख देंगे। अब सारे कबाब, हाँ सारे सीख कबाब ऐसे ही हम लोग बनाते जाएंगे। और एक मैं आप लोगों को बना के बताती हूँ। ये ऐसा लीजिए और ये पेंसिल की मदद से इसके एक्चुअल से स्टिक्स भी आते हैं, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं काम चलाने के लिए ऐसे राउंड पेंसिल के शेप वाली यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हम लोग को इसके साइड्स को ऐसे राउंड्स करना है और हल्के हाथों से इसको ऐसे खींचना है। ओके, देखिए हमारी और एक रेडी हो गई है, सीख कबाब रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको प्लेट में रख देंगे और सारे सीख कबाब ऐसी बना के तैयार करके मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह हम लोग ने सारे सीख कबाब ऐसे बना के रेडी रख लिए हैं। अब हम लोग इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे सीख बना के रेडी रख ली हूँ। चलिए अब हम लोग इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। एक ऐसा पैन, इसमें हम लोग ने थोड़ा सा ऑयल डाले हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे हम लोग। इसको पैन में पूरी तरीके से इसको अच्छी तरीके से ऐसा फैला लेंगे। ठीक है, और हमारे जो सीख कबाब है हम लोग इसको एक एक करके इस तरीके से फ्राई करते जाएंगे। अब हम लोग इसको अलट पलट करते जाएंगे और हमारे सीख कबाबों को चारों तरफ से इसको गोल्डन फ्राई होने देंगे। चारों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से अलटते पलटते जाएंगे। जैसे हमारे सीख कबाब गोल्डन फ्राई होंगे हम लोग इसको पैन में निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारे सीख कबाब चारों साइड से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कहीं से भी हम लोग इसको कच्चा नहीं रखेंगे। अब हम लोग इसको एक प्लेट में अलग से निकाल के सर्व करके मैं आपको बताती हूँ। तो माशाल्लाह देखिए हमारे सीख कबाब रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसको एक प्लेट में सर्व करी हूँ, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह चारों तरफ से मैंने इसको किस तरीके से फ्राई करी हूँ। तो आप लोग भी इस सीख कबाब की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे पराठों के साथ सर्व कीजिए, या फिर आप लोग नान के साथ भी खा सकते हैं। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं हमारी सीख कबाब रेडी हो चुके हैं, बहुत ही कम टाइम में मैंने इसको बनाई हूँ। तो आप लोग भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह बहुत ही यम्मी बनते हैं। आप लोग देख सकते हैं तोड़ने के बाद ये कितने यम्मी और डिलीशियस बने हैं। तो आप लोग भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी चैनल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। थैंक यू।